सवे भवन्तु सुखिनः। अदृश्य शक्ति परमात्मा परमेश्वर ब्रह्म। भाग चार। जो गुरु उपदेश के अनुरूप हो ग्रहण करें। ऐसा इस संसार में कोई नहीं जो उस महाकाल से बच सके, यानी कि मृत्यु से बच सके। मृत्यु तो एक ना एक दिन सबको ही आने वाली है। अंतर यह है कि जो महाकाल से सच्चे मन से जुड़ जाता है, जिसका मन संसार में विद्यमान पदार्थ से विरक्त और एकमात्र उसी से आसक्त हो जाता है, उसे वह महाकाल स्वीकार कर लेता है और उसका नया जन्म नहीं होता और उसे फिर मृत्यु का दर्शन नहीं करना पड़ता। वह हंसता हुआ मृत्यु का स्वागत करता हुआ इस संसार से विदा होता है। लेकिन जिनका मन संसार में विद्यमान पदार्थों से आसक्त है, उनको बार बार महाकाल का यानी कि मृत्यु का सामना, मृत्यु का दर्शन करना पड़ता है, यानी कि वे काल के चक्र में बंधे रहते हैं, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहते हैं। वह महाकाल हर दिन हर क्षण हर पल किसी ना किसी का काल बनता रहता है। उस अदृश्य शक्ति के कारण ही इस संसार में प्रतिक्षण मनुष्य मरते हैं और प्रतिक्षण जन्मते हैं। उस महाकाल के चंगुल से कोई नहीं बचता। बचता तो केवल वही है जो सब कुछ उसका ही मानता है, सब कुछ स्वप्नवत मानता है। दूसरे के शरीर की तो क्या कहें, स्वयं का शरीर भी वह किराए के मकान की तरह मानता है। शरीर रूपी मकान का प्रारंभ और अंत उस अदृश्य शक्ति के ही कारण होता है, जो स्वयं के शरीर को किराए का घर मानता है, इस संसार को मुसाफिर खाना मानता है, सब कुछ क्षणभंगुर मानता है, केवल उसी की कामना रखता है, केवल उसकी चाहना रखता है, जिसकी प्रातः भी उसके वंदन से शुरू होती है और रात्रि भी उसके ही वंदन से समाप्त होती है, जिसकी अंतिम अवस्था में केवल उसके अतिरिक्त कोई चाह कोई कामना नहीं रहती, उसे वह महाकाल गले लगा लेता है। यानी कि जो जन्म मृत्यु का चक्र है, उस चक्र से वह अदृश्य शक्ति उसे अलग कर देती है, यानी कि उसे मुक्त कर देती है, उसके सभी दुखों का अंत हो जाता है। लेकिन यह मन का इस सृष्टि प्रकृति के साथ आकर्षण होने के कारण मनुष्य मौत के पंजे में जकड़ा हुआ रहता है, जन्म मरण के चक्र में बंधा रहता है। यह सत्य प्रकट होता है गुरु ज्ञान के द्वारा। लगातार पांच।